आ जाइए। तो गजेंद्र जी, ये आपकी अश्विनी गोयल। अश्विनी गोयल, ओके ओके ओके। तो कैसी आपका रहा, मतलब ये सेकंड सीटिंग है आपकी, 2 महीने का गैप हो गया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक रहा, मतलब डेली अपना एक्सरसाइज मेडिसिन सही रहा। ओके, ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी वैसे सही रहा। बाकी अब थोड़ा ठीक है, मतलब ये मानो महीने भर से ठीक है। महीने भर से चाल भी ठीक है आपके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा कोई लिंग पेन, थोड़ा पेन वैसे है, हल्का हल्का पेन है। ठीक है, मतलब जैसे जोर पड़ता है ना थोड़ा सा, बस वैसा। पहले के पेन के कंपैरिजन में कम है? कितना कम मान के चले? 50-60% कम। 50-60%। चलो ठीक है, अब बाकी और देखते हैं और आगे, है ना। आ जाइए। वन मोर राउंड। आ जाइए। ठीक है, कोई लिंपिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अश्विनी गोयल जी, कैसा रहा भाई ये सेकंड सेटिंग के बाद का एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया 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 रहा। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखा? तो चलने में ही थोड़ा जो ज़्यादा हो रहा था उसमें थोड़ा सुधार है, उसमें सुधार हो गया, काफ़ी सुधार है। थोड़ा बहुत थोड़ा दर्द है यहाँ पे, हल्का सा। अच्छा, हाँ, जैसे कि मैं जोर देता हूँ, एक टांग पर मान लिया खड़ा हुआ, हल्का जोर पड़ता है। अच्छा, ऐसे चलने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, अगर शुरू में मतलब जैसे आए थे फर्स्ट सेटिंग से पहले तो 100 में से पूछे, आज 70% हो गया आपको आराम है। चलिए, तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदनगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर अश्विनी गोयल जी, और ये इनकी सेकेंड सेटिंग है। तो जानते हैं इनसे कि पहले इनको क्या क्या तकलीफ थी और आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अश्विनी जी से हम नमस्कार करें। नमस्कार अश्विनी, बताइए पहले क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? पहले एक्चुअली जब दर्द स्टार्ट हुआ, काफ़ी चलने में अभी पैर नहीं रखा जा रहा था। कब हुआ था ये? लास्ट ईयर मार्च में। मार्च में पोस्ट कोविड? हाँ, पोस्ट कोविड है। पोस्ट कोविड, कोविड के पहले हुआ। अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर। तो उस समय मेरे से पैर नहीं रखा गया, और पैर रखने में काफ़ी तकलीफ, चलने में तकलीफ। तो मुझे फैमिली मेरी जो है मुझको ले जाती थी, माले बाथरूम जा रहे तब भी, लेकिन फिर हाँ, फिर MRI कराया तो उसमें पता लगा कि ये एवियन है सेकंड स्टेज का। तो तब फिर उसके बाद आपका देखा वीडियो, तब मैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट किया, एक्सरसाइज से थोड़ा रिलीफ मिला, फिर अपने टच में थे ही मैं। फिर दिसंबर में फर्स्ट सिटिंग लिया, तो अब तब उस टाइम पर भी चलने में थोड़ा सा ठीक लगा। तो अभी सेकंड सेटिंग है, तो अब थोड़ा पेन है हल्का, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेटिंग में लगभग कितना परसेंट इम्प्रूव हो गया होगा? फर्स्ट सेटिंग में 30-40% इम्प्रूव था। हाँ, और अब कितना पहुंच गया? अभी 70 से ऊपर पहुंच गया। 70 से ऊपर पहुंच गया। 70 अभी थोड़ा बस पैर पर वजन डालने से होता है थोड़ा, तब पेन होगा। हाँ, अच्छा, वरना बाकी वरना वैसे कोई प्रॉब्लम? हाँ, लिंपिंग कुछ है नहीं आपकी चाल में? जी जी। तो दूसरे जो एवियन के पेशेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कि एक बार आप देखो, मतलब ऑपरेशन ही इसका समाधान नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख करके आप ट्रीटमेंट लें और अपना आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि एलोपैथिक में तो काफ़ी उसमें तो रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन है, और तो वो सबसे लास्ट ही ऑप्शन, वो तो सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। जब कुछ नहीं हो पा रहा हो, मेरे से भी ना हो पाए, तो उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। आप ऑप्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए जाएं, पेशेंस रख करके अपना ट्रीटमेंट लें, कराएं आयुर्वेदिक का, कराएं ट्रीटमेंट, सर से मिलें, बातचीत करें, एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। और जितने भी व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, घर पे ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको तो घर पे ही मिल जाएगा। कम से कम जो लेटरिन बाथरूम जाने की जो समस्या है, लोग जो लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से तो निजात मिल ही जाएगा आपको। अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, अपने काम करने लगोगे, और फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए कानपुर आइए। आप देखोगे धीरे धीरे काफ़ी काफ़ी बेटर हो जाएगी लाइफ, और आप हो सकता है पूरी लाइफ हिप रिप्लेसमेंट ना करना पड़े। मैं भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के साथ ऐसा ही रहेगा। तो
ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार।